गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास थर्ड की हिंदी सेकंड व्याकरण शिल्पी का आठवां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है विशेषण। बच्चों, ये 36 पेज नंबर है। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, ये चित्र में आपको ये चार चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये कोयल है। ये कैसी कोयल है? काली कोयल। ये तीन तितलियां हैं, ये पीला फूल है और ये जापानी गुड़िया। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कोयल संज्ञा शब्द है। कोयल जो है एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि वह काली है। तितलियां संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि वो तीन है। ये आपको चित्र में तीन दिखाई दे रही है ना। फूल संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि वह पीला है। ऐसे ही गुड़िया एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि वह जापानी है। यहाँ काली, तीन, पीला और जापानी शब्द विशेषण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, यह भी जानिए, विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे पहले प्रयुक्त विशेषण, पहले किस प्रकार से प्रयोग में लिए जा सकते हैं? स्नेहा नीली फ्रॉक पहने है। और बाद में कैसे हम कर सकते हैं प्रयुक्त विशेषण? स्नेहा की फ्रॉक नीली है। उसी प्रकार से नीला तौलिया धूप में सुखाओ, और ये बाद में प्रयुक्त विशेषण है, यह तौलिया गीला है। इसी प्रकार से शब्द बन सकते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द, अच्छा, मेहनती, सच्चा, भला, वीर, बुरा, आलसी, ऊंचा, नीचा, चौड़ा, इस प्रकार से ये बच्चों ये बॉक्स में जो दे रखे हैं, ये शब्द विशेषण शब्द हैं। विशेषण की क्या पहचान है? वाक्य में कैसा या कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने से विशेषण का ज्ञान हो जाता है। जैसे ये वाक्य हमारा बना, शोभित आलसी लड़का है, तो इसका प्रश्न बनेगा शोभित कैसा लड़का है। मतलब ये विशेषण है, विशेषता बताइए इसकी। तो विशेष क्या है? आलसी। ऐसे ही दूसरा, आज कक्षा में 10 छात्र आए, तो प्रश्न बना आज कक्षा में कितने छात्र आए, तो विशेषता क्या है? 10। इसी प्रकार से ये कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों। इस बॉक्स में कुछ इनके प्रश्न दिए गए हैं इससे जुड़े हुए और इनकी विशेषता बताई गई है। बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं, विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले अथवा बाद में भी आ सकते हैं। वाक्य में कैसा या कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने से विशेषण का पता कर सकते हैं। बच्चों, आगे का अध्याय मैं आपको आपके नए वीडियो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।